इधर मुरैना में 11 साल का एक लड़का खेल खेल में फांसी के फंदे पर लटक गया, जिससे उसकी दम घुटने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक लड़का रील के लिए वीडियो बना रहा था। लड़के के शरीर में हरकत ना होता देख उसके साथी मौके से भाग गए। खबर मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और बच्चे को फंदे से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त बल को तैनात किया गया है। एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 10 से 11 साल के करीब है, ये जो है अपने और सह उम्र दोस्तों के साथ में रील बना रहा था और ये फांसी वाला खेल खेल रहा था। चेयर पर चढ़ करके जब उसके द्वारा फांसी लगाने का एक्टिंग की गई और वो दुर्घटनावश वो जो है फांसी उसमें फंस गई और झटका लगने से उसकी मृत्यु हो गई। इधर ग्वालियर में लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है, जहां महिला संप्रेक्षण गृह से कुछ नकाबपोश बदमाशों ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 5 से 6 लोग लड़की को जबरदस्ती ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। घटना के बाद महिला संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं। वही पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और लड़की की तलाश शुरू कर दी गई है। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। रीवा में जमीन विवाद में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां मनगवा थाना क्षेत्र के हिनौता गांव में 2 महिलाओं को डंपर से मिट्टी डालकर दबा दिया गया। गरिमत रही कि महिलाएं सिर्फ कमर तक मिट्टी में धंसी। वहीं आसपास के लोगों ने महिलाओं को मिट्टी से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक गांव में सड़क बनाई जा रही है, जबकि महिलाओं का कहना है कि जिस जमीन पर सड़क बन रही है वो पट्टे की जमीन है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हिनौता गांव का मामला है, वहाँ रोड बन रही थी, मुरम वगैरह डल रही थी, तो अभी तक की सूचना ये प्राप्त हुई है कि वहाँ विरोध कर रहे थे 2 महिलाएं, तो उसने जो है मुरम का पलटी किया तो जिसमें वो दबी, तो इसके साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है, अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है, आई हुए साक्ष्यों के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर पलटी किया या फिर उनको डाल, ये सब अभी जांच का विषय है, अभी हम इसको जांच कर रहे हैं, जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। क्या वो ट्रक पकड़ लिया गया है या पुलिस ने उसको सजेशन लिया है? ट्रक के विषय में अभी हमारी टीम गई हुई है। इधर ग्वालियर में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। मामला बिजौली थाना क्षेत्र का है। तेज रफ्तार रेत से भरे डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों पेट्रोल डलवाने के लिए निकले थे। हादसे के बाद डंपर चालक डंपर को छोड़कर मौके से फरार हो गया। गुस्साए ग्रामीण सड़क पर बैठ गए और चक्का जाम किया गया। ये बिजौली रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। एक मोटरसाइकिल पे विनीत और सौरव का बच्चे, 2 बच्चे थे, कुशवा और एक जाटो हैं। ये बिजौली तरफ जा रहे थे और पीछे से एक ये डंपर आ रहा था, अपना खाली डंपर है जो किसी खदान वदान से गिट्टी विट्टी लाने का काम करता है। उसने तेजी और लापरवाही से चला के उस मोटरसाइकिल के बच्चों को टक्कर मार दी, जिससे वो डेथ हो गई। क्या परिवारजनों को क्या मांग कर रहे हैं? नहीं नहीं